वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल का। तो क्या बोलती फतेह की पोस्ट। तो आज का ये वीडियो यार बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आज ये एक बहुत ज्यादा स्पेशल हेडफोन्स है जिसको कॉस्मिक वाइड H11 कहा जा रहा है। तो गाइस ये एक साल के बाद मैं पूरा आपको रिव्यू देने वाला हूँ कि कैसा हेडफोन है, आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। तो चलिए गाइस वीडियो को शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन। हेडफोन तो अच्छा है यार, मैं नहीं कह सकता कि काफ़ी अच्छा है, लेकिन शायद आपका अगर आप गेमिंग कर रहे हो तो आपके लिए हेडफोन अच्छा है, लेकिन आप गाने वगैरह सुन रहे हो तो आपके लिए हेडफोन अच्छा है, नहीं है। मैं ये ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि इसके अंदर जो 40mm के ड्राइवर्स दिए हुए हैं उसके हिसाब से इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा अच्छी आवाज़ आनी चाहिए, लेकिन यार इसके अंदर एक लो नॉइज़ का एक सीन है, क्योंकि आप कितना भी फुल साउंड कर लो ना उससे इसके अंदर कम ही आवाज़ आएगी, मतलब बाहर का थोड़ा थोड़ा आपको आराम से सुनाई देगा। तो बेहतर होगा आप 50mm ड्राइवर्स के हेडफोन्स की तरफ ही जाएँ। और एक ज़रूरी बात गाइस, अगर आपको एक हेडफोन लेना है जो कि आपको सिर्फ और सिर्फ PC पे चलाना है, मोबाइल फ़ोन पे आपको छोटा वाला ईयरफोन आप चलाते हो तो आपको PC में जब भी आप ले रहे हो PC के लिए हेडफोन ले रहे हो तो आप ध्यान रखिए 50mm ड्राइवर्स का हेडफोन ही लें। और आपको उसके अंदर दो पिन वाला लेना चाहिए, जो कि लाल पिन आती है ब्लैक पिन आती है। ब्लैक पिन बेसिकली आपको अगर PC को लाके गाने वाने वगैरह सुन रहे हो ना तो उसके लिए काम आ जाती है। और उसके साथ जो रेड पिन आती है वो आपको माइक्रोफोन का काम करेगी, आपको सेपरेटली एक अलग सा माइक्रोफोन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यार ये ईयर हेडफोन मैं समझता हूँ यार अच्छा ही है, क्योंकि इसके अंदर जो वॉइस ओवर अभी कर रहा हूँ मैं यही हेडफोन्स के अंदर कर रहा हूँ। हेडफोन लगा के कॉन्सोल के अंदर मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ। यार माइक्रोफोन तो अच्छा ही काम करता है इसका वैसे तो। और कुशन्स में आप देख सकते हो, कुशन एक साल के बाद भी नरम है, मैं इसको ज़्यादा यूज़ भी नहीं कर रहा हूँ वैसे तो। ज़्यादा यूज़ भी करेंगे तो ऊपर का जो लेदर है, लेदर जैसा दिखने वाला चीज़ है, वो प्लास्टिक का मटेरियल है, वो निकलने लगेगा, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो कुशन के अंदर भी अच्छी खासी नरमी है, लेकिन यार देखो इसके ऊपर का जो कलर है ना वैसे निकल रहा है। तो कुशन के अंदर जो भी है कलर है ऊपर सा लेदर जैसा लगा हुआ, लेदर नहीं होता है वो, वगैरह प्लास्टिक होता है जो रबर के ऊपर चिपकाया जाता है कलर वगैरह। और यार इसका जो साइड माउंटेड जो माइक्रोफोन है जिसको अभी मैंने नीचे किया और एडजस्ट कर रहा हूँ मैं, ये वाला बहुत गड़बड़ है, इससे बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, क्योंकि इसके अंदर एक अलूमिनियम का एक छोटा सा वायर होता है जो उसे जैसे मतलब जैसे फिराने में मदद करता है। एक और एक भी आता है हेडफोन आप देख सकते हो, उसके अंदर पूरा पूरा प्लास्टिक मटेरियल होता है डायरेक्टली, तो उसको आप सीधे सीधे मतलब बीच में से आप उसको मोड़ नहीं सकते हो, डायरेक्ट कुछ भी करना हो तो आप ऊपर नीचे सिर्फ ऐसा ही कर सकते हो, वही बेस्ट रहेगा मैं बोलता हूँ, क्योंकि वो चीज़ अगर आप लगाओगे तो मुंह के पास टिकी रहेगी, नहीं तो आप ये लोगे तो आप वो बाद में ख़राब हो जाएगा, जो आप ऊपर करना चाहोगे तो वो वापस नीचे ही आता रहेगा, इसके अंदर ये एक प्रॉब्लम है गाइस। और जो ईयर पैड्स है गाइस, जो ईयर पैड्स का रबर है वो भी बहुत ज़्यादा दिक्कत दे रहे हैं यार, मतलब वो उतने कंफर्टेबल नहीं है जितना आप सोचते हो। देखो दिखने में तो ज़्यादा उतना अच्छे लगते हैं लेकिन उतना कंफर्टेबल नहीं है। जब आप यार एक घंटा मैक्सिमम आप गेमिंग कर लोगे तो आपको कान का जो बाहरी हिस्सा होगा वो आपको दर्द करने लगेगा। और यार इसके अंदर कंपनी वाले दे रखा है कॉस्मिक वाइड स्विच टू गॉड मोड, ऐसा तो कुछ नहीं यार, गॉड मोड मतलब उतना भी अच्छा नहीं है हेडफोन ये, मैं समझता हूँ यार ये प्राइस के हिसाब से अच्छा है लेकिन बेस्ट नहीं है। गाइस थोड़े से पैसे जाएंगे या 50mm ड्राइवर्स की तरफ ही जाना, चाहे वो दूसरी कोई भी कंपनी का हो यार, इसके अंदर तो मेरे को यार सेटिस्फेक्शन नहीं मिला है, मतलब मेरे हिसाब से तो हेडफोन अच्छा नहीं है, क्योंकि यार इसके अंदर एक तो लो नॉइज़ का प्रॉब्लम है यार, अभी आगे और एक भी प्रॉब्लम है मैं आपको बताऊँगा। तो इसका प्राइस के हिसाब से यार 1100 में ये मिल रहा है आपको, लेकिन यार मैंने तो 900 में लिया था, क्योंकि प्राइस के हिसाब से चीज़ भी वैसी है गाइस। इसके ट्यूनर में भी एक प्रॉब्लम है, जब आप साउंड फुल पे ट्यून करते हो ना तो इसका ये तरह मेरे को प्रॉब्लम दे रहा है, अगर मैं तो यार इसको इस्तेमाल भी नहीं करता हूँ, सोचो इस्तेमाल करने पे क्या होगा फिर, तो ये ट्यूनर का एक प्रॉब्लम है, इसको अब इसको इस्तेमाल ना करो तो भी ये बाद में जाके ख़राब हो जाएगा, तो ट्यूनर का एक इसके अंदर प्रॉब्लम है। बाकी तो यार हेडफोन तो अच्छा है लेकिन आपको ये बेस्ट रिजल्ट नहीं देगा मेरे हिसाब से, पर आप गाने सुनने वाले हो हाई साउंड पे हाई बेस पे आप लगा के सुनोगे तो इसके अंदर हाई बेस नहीं आएगा, बेस कम है और साउंड भी थोड़ा कम है, लाउडनेस ज़्यादा नहीं है। अगर आप गेमिंग के लिए ले रहे हो तो हाँ भाई एवरेज है यार, गाने वगैरह सुनने मूवीज़ देखने के लिए उतना अच्छा नहीं है। मैं रिकमेंड करूँगा आपको 50mm ड्राइवर्स का ही रिकमेंड करूँगा, 50mm ड्राइवर्स लो आप चाहे दूसरे। यार एक ब्रांड है यार, इसका नाम देखो माओनो का एक हेडफोन है, दो पिन वाला है, अच्छा खासा दिख रहा है वो, जब उस वक्त यार वो 1800 या 2000 के आसपास था, वही लेना गाइस, कोई भी ले लो यार, 50mm ड्राइवर्स का लो, 40mm ड्राइवर्स का ना लो। और यार मैं तो रिकमेंड करूँगा आप ये हेडफोन लो ही ना, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। तो यार वीडियो अच्छा लगा तो लाइक मारो यार, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब मारो यार, और अपने भाई को सपोर्ट करा रहा, ऐसे नए नए वीडियो लाते रहूँगा। मेरे पास और एक वूफर का भी है, क्रिएटिव का वूफर के बारे में, और इंटेक्स का जो वूफर होता है उसके बारे में भी वीडियो लाने वाला हूँ गाइस।
कमेंट करके बताना गाइज अगर आपके पास ये हेडफोन है और उसके अंदर क्या प्रॉब्लम आई है। अगर आपके पास इससे अच्छा है कोई अच्छा हेडफोन है तो कमेंट करके बताना कि दूसरों को भी मदद मिल सके। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू अंटिल देन, बाय बाय।